हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3 का। जी दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3 के जी का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है दोस्तों, जो ये कथन दिया गया है इसको समीकरण द्वारा आपको क्या करना है, अभिव्यक्त करना है। तो बोला क्या दोस्तों, चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले को हम हल कर लेते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, तो क्वेश्चन में बोला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो जितना बोले दोस्तों उतना आप करते चलिए, ठीक है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले जितना हम बोल रहे हैं उतना हम करते चलते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो किसके आयु से गुनी है, पुत्र की आयु से। तो पहले हम पुत्र को मानेंगे, पिता की आयु तो 4 गुनी है लेकिन पुत्र की आयु पता नहीं है। तो माना क्या, माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है दोस्तों। जिसकी पता नहीं, जिसका उम्र नहीं पता रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी। यानी जब पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु क्या निकलेगी दोस्तों, यहां लिख दीजिए पिता की आयु। जो पिता की आयु क्या है दोस्तों, पुत्र की 4 गुनी, यानी इसमें 4 से क्या हो जाएगा, गुना, यानी 4x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पुत्र क्या है, x वर्ष है, लेकिन पिता जो है इसके कितना गुना है, 4 गुना। तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं। फिर बोला है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 7 वर्ष बाद। तो यहां लिखिए क्या, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद का मतलब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, अगर जितनी वर्ष बाद बोलेगा तो उसकी वर्तमान आयु में क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अगर यही देखे, जैसे 7 वर्ष बाद बोला है तो इसकी वर्तमान आयु जो है इसमें हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। अगर यही 7 वर्ष पहले बोलता तो इसकी जो वर्तमान आयु है इसमें से हम इसको क्या करते, घटा देते। तो 7 वर्ष बाद बोला है तो फिर 7 वर्ष बाद उम्र निकाल लीजिए इनके पिता की, पुत्र की, दोनों की निकाल लीजिए। तो पुत्र की आयु फिर निकालिए दोस्तों, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु क्या निकलेगी दोस्तों, 7 वर्ष बाद, पहले कितना था, x था, तो x लिख लीजिए। अब कितना बोला, 7 वर्ष, तो इसमें 7 क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक आपका यहां से एक फिर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगी पुत्र की, x प्लस 7। अब फिर पिता की निकाल लीजिए दोस्तों, 7 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके कितने गुनी, पिता की आयु जो था 4x था, इसके 4 गुना था ना, तो 4x लिखिए, लेकिन कितने, 7 वर्ष बाद बोला तो इसमें भी क्या करिए, 7 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब बोला है कि जो ये पुत्र की आयु है, यानी जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, ठीक है, हो जाएगी बोला है। तो क्या करिए, यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, उसके अनुसार करना है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार है दोस्तों, बोला है कि जो ये पिता की उम्र, पिता की उम्र क्या है दोस्तों, 7 वर्ष बाद, 4x प्लस कितना, 7। अब फिर बोला है पुत्र की आयु की, यानी पुत्र क्या है दोस्तों, बराबर लगाइए, पुत्र की आयु की x प्लस कितनी, 7।
गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस सात का अढ़ाई गुना यानी 2.5 गुना हो जाएगा। तो इसमें 2.5 से हम क्या कर देंगे, पुत्र में गुणा करेंगे। अब पुत्र में क्यों करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्योंकि पिता गुना हो रहा है ना, पिता उससे इतना गुना हो रहा है, तो हम समीकरण को बराबर करने के लिए किस में गुना करेंगे, x प्लस सात पुत्र में करेंगे। ठीक है, हमेशा जब भी गुना की बात करेगा तो अधिकतर प्रयास करिएगा प्रश्नानुसार हल करते समय छोटे वालों में आप गुना करिया करिए। ठीक है, अधिक की बात करेगा, जो अधिक रहेगा उसमें अधिक नहीं जोड़ना है, जो क्या रहेगा कम रहेगा उसमें उसको बराबर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ निकल गया 4x+7 बराबर 2.5 गुणते x प्लस सात निकल गया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये दशमलव में है, पहले दशमलव हटा दीजिए, तो 4x और प्लस कितना 7 ऐसे लिख लीजिए, दशमलव हटाएंगे तो 2.5 है तो 2.5 हो जाएगा, दशमलव के बाद जब दशमलव हटाएंगे दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेंगे एक्स प्लस सात, समझा, इसको काट दीजिए तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 और 5 × 2 = 10, ऊपर 5 आ जाएगा नीचे कितना 2, यानी 4x+7 बराबर क्या निकलेगा 5/2, कोष्टक में निकलेगा एक्स प्लस सात। इतना समझ आया दोस्तों, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है, तो आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण हो जाएगा। इसी को आप क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। इसमें ना तो आपको पिता की उम्र निकालनी है ना पुत्र की निकालनी है, सिर्फ आपको इसको समीकरण के रूप में बताना था, इसलिए यहाँ पर हम समीकरण के रूप में इसको लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो क्या दिया दोस्तों, चलिए इसको हम क्या करते पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, युगपत समीकरण बनाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको क्या करना है, समीकरण ही बनाना है, लेकिन क्या करना है, एक बार इसमें जो भिन्न है उसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो दो समीकरण प्राप्त होंगे, वही आपका युगपत समीकरण हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं दोस्तों, हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है किसी भिन्न के अंश तथा हर में, ना भिन्न का ना अंश ही पता है ना हर ही पता है, तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना क्या, अभिष्ट भिन्न, क्या अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, x/y। ठीक है, अभिष्ट भिन्न क्या मानेंगे, x/y मान लेंगे, क्योंकि जो भिन्न होता है वो बटे में होता है, अंश और हर के रूप में होता है, तो ऊपर क्या हो गया मेरा x जो है वो अंश हो जाएगा, ये y जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसमें बोला ये भिन्न हमने मान लिया, माना अभिष्ट भिन्न, यहां लिख दीजिए दोस्तों, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। अब आपको बोला हर अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो जो अंश है और हर है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसको हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है, ऊपर एक्स और बटे वाई, ठीक है, इसमें क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए, यानी प्लस एक्स प्लस एक और ये वाई प्लस एक, एक इसमें क्या करना दोस्तों, जोड़ देना, क्योंकि प्रश्न बोला है अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है दोस्तों, 5/6। ठीक दोस्तों, 5/6 हो जाता है, तो अब ये 5/ कितना कर दिए हैं, इसको 6 कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों क्या करना है, जब इतना कर लें तो आप इसका क्या करिए, गुणा कर लीजिए क्रास, 6 का x में करेंगे तो क्या आएगा 6x, और 6 का 6 में करेंगे तो 6 का कितना आ जाएगा 6 बराबर, y का 5 में करेंगे कितना है दोस्तों 5y, और 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, युगपत समीकरण, यानी समीकरण ज्ञात करना है, तो यानी x और y को एक तरफ कर लेंगे तो 6xy इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -5y बराबर, इस तरफ 5, पहले से 5 को लिख लीजिए, 6 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है,
इसको आप घटा दीजिए या तो आपको इस तरफ लेते आइए, तो घटाएंगे क्या आएगा दोस्तों, 6x माइनस 5y और बराबर में कितना निकलेगा माइनस एक, इधर माइनस में निकला इसको इधर लेते आइए प्लस में कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। 6x माइनस 5y इधर आएगा माइनस एक, तो क्या हो जाएगा प्लस एक बराबर जीरो, ये आपका क्या निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट निकल जाएगा। इतना समझ आया। अब चलिए फिर आगे क्या बोला दोस्तों, फिर बोला है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो अंश और हर, अंश क्या दोस्तों एक्स और हर क्या है दोस्तों वाई, यहां देखिए अभिष्ट भिन्न माना गया एक्स बटा वाई। अब इसमें से क्या बोला एक घटा दिया जाए, यानी एक अंश में से एक घटा दिया जाए और हर में से भी एक घटा दिया जाए, तो बचेगा क्या, तब क्या प्राप्त होता है दोस्तों, इसका मान 4/5 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब 4/5 प्राप्त हो गया तो इसका भी आप क्या करिए क्रॉस गुणा कर लीजिए, तो 5 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 5x और 5 का 1 में करेंगे तो 5x का 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 का y में करेंगे कितना आ जाएगा 4y और 4 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x का 4, समझ आया दोस्तों। अब क्या करिए y को एक तरफ कर लीजिए, इसको भी इस तरफ पंचांतर कर लीजिए, तो 5x ऐसे ही रहेगा, 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4y, और माइनस 5 को ऐसे रहने दीजिए, माइनस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 बराबर क्या बचेगा दोस्तों 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको 5x को ऐसे लिख लेना है, ठीक है, माइनस 4y को भी ऐसे ही लिख लेना है, 5 में से 4 घट जाए क्योंकि ये माइनस 5 है ये प्लस 4, तो 5 में से 4 घटे कितना बचेगा माइनस 1 और बराबर में क्या दोस्तों 0, आपका ये समीकरण क्या निकल गया सेकेंड। आपको यही दो समीकरण ज्ञात करना था तो इसी को आप क्या कर दीजिए दोस्तों आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो लिख कर बता दीजिए यहां पे, जैसे लिख दीजिए क्या दोस्तों युगपत समीकरण आपका क्या प्राप्त होगा, युगपत समीकरण, आपको युगपत समीकरण ही बताना था कि युगपत समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या निकला दोस्तों 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं हल कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या बोला है उससे फोकस करिए, पहले बोला है कि दो संख्याओं का योग 64 है, लेकिन किसका किसका योग है ये पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जो एक संख्या है दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो पहली संख्या x हो जाएगा तीसरी 3x निकल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना है दोस्तों 64 है, तो संख्या आराम से निकल जाएगी। तो यहां लिख लीजिए माना संख्या बराबर क्या दोस्तों x, ठीक है। लेकिन अब पहली संख्या क्या, माना दो संख्याओं का योग क्या है 64 है, लेकिन उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो माना एक संख्या जो है क्या हो गया x, अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या देखिए दोस्तों लिखिए यहां पे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी, यानी कितना हो जाएगा 3x, जो पहली संख्या कितना x है, दूसरी संख्या इसकी कितनी गुनी है 3 गुनी, तो इसको लिख दीजिए दूसरी संख्या बराबर 3x। अब बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोला है दोस्तों यहां लिखिए प्रश्नानुसार आपको क्या करना है, ये बोला है दो संख्याओं का योग कितना है दोस्तों 64 है, तो दो संख्या क्या निकलेंगे x और प्लस कितना 3x, इन दोनों का योग कितना है दोस्तों 64, तो इन दोनों का योग कितना कर देंगे 64 कर देंगे, इसको जोड़ लीजिए 3x और x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x और बराबर में कितना है दोस्तों 64, x बराबर निकालेंगे तो 64/ कितना आएगा 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 से 64 काटेंगे तो 16 चौका कितना आ जाएगा दोस्तों 4 एक का 4 यहाँ बचेगा 2, तो 4 और 6 24 यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 16, यानी जो पहली संख्या आपकी निकली वो कितनी निकली आपकी 16 निकल गई, ठीक है।
अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, पहली संख्या 16 निकल गई तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा दोस्तों, दूसरी संख्या कितना आपका 3x, यहाँ देखिए लिखिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है आपका 3x, तो 3x जब इसको हल करेंगे दोस्तों 3 ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना है 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरी संख्या आपका कितना निकल जाएगा 48। अब आपको क्या करना है, अभीष्ट संख्या में बताना, तो यहाँ लिख दीजिए अभीष्ट संख्या, क्या आपका आंसर है उसको अभीष्ट संख्या कर दीजिए, तो अभीष्ट संख्या क्या निकला गया दोस्त, अभीष्ट संख्या निकला आपका, पहला निकला दोस्तों अभीष्ट संख्या 16 और दूसरा निकला दोस्तों कितना 48, ठीक है, इसी को आप क्या कर दीजिए आंसर कर दीजिए, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो आपको इसमें दोस्तों भिन्न ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम भिन्न पता हमको नहीं है तो हम भिन्न क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है, तो यहां पर लिखिए हल, हल लिखने के बाद आप लिखिए माना, यहां लिख दीजिए माना भिन्न, क्या दोस्तों माना जो भिन्न है, भिन्न क्या होता है अंश अपान हर के रूप में होता है, नहीं एक्स लिख देंगे एक्स बटे क्या वाई, ठीक है, ये आपका क्या है भिन्न हो जाएगा, माना भिन्न एक्स बराबर वाई। अब आपको बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या बोला दोस्तों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में क्या करें एक घटा दें, फिर बाद में बोला है तो भिन्न क्या होती है एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी इसमें दो शर्त है, ठीक है दोस्तों, तो पहली शर्त को लेकर चलते हैं, तो यहां लिखिए पहला प्रथम शर्त, ठीक है दोस्तों प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में बोला है कि हम अंश में एक जोड़ें दें और हर में क्या करें घटा दें, यानी अंश क्या है एक्स है, तो एक्स में हम क्या करें एक जोड़ दें और हर क्या है वाई, वाई में हम क्या करें दोस्तों घटा दें, तो हमारा क्या हो जाता है भिन्न किसमें बदल जाता है एक में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों, हल करने पर यानी हमारा कितना आता है एक आता है, तो चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वन एक ऐसे रहेगा, वाई का एक इसमें एक में करेंगे तो वाई माइनस एक ऐसे ही आएगा पूरा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, वाई को एक तरफ पंचांतर कर लेना है, तो एक्स ऐसे रहेगा वाई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा उधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस वाई हो जाएगा बराबर माइनस एक, इधर पहले से एक इधर प्लस में, इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा। अब देखिए x माइनस वाई को ऐसे रहने दीजिए, एक एक कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस में, तो एक एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समझा दोस्तों। अब फिर आपका दूसरा शर्त क्या है दोस्तों, दूसरे शर्त में बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, क्या करना है अंश में कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है हर में एक जोड़ देना है, तो यहाँ लिखिए द्वितीय शर्त, दूसरा शर्त देखिए दोस्तों द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा, आपको बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश क्या दोस्तों एक्स है, ऊपर क्या लिखेंगे एक्स ही लिखेंगे, लेकिन हर क्या है वाई, वाई में हम क्या करेंगे दोस्तों एक जोड़ देंगे, जब एक जोड़ेंगे तो जो हमारा भिन्न है वो क्या प्राप्त होता है 1/2 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा, हम इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो जब 2 का गुणा एक्स में करेंगे क्या आएगा 2x, और y प्लस एक का इसमें एक में करेंगे तो क्या आएगा y प्लस एक ही आएगा, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, इसको पंचांतर कर लीजिए, 2x को ऐसे रहने दीजिए, y इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, और बराबर में उधर क्या बचेगा एक बचेगा, समझ आया दोस्तों। तो इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करना है, आपको भिन्न ज्ञात करनी है, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फर्स्ट और सेकंड समीकरण को क्या करना है आपको हल कर लेना है, हल करने से यहाँ पे आपको एक्स और वाई का मान मिल जाएगा, वही वहाँ पर ले जाके रख देंगे भिन्न में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे हल कर लेते हैं, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड हम इसको क्या करते हैं हल कर लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, और समीकरण सेकेंड है दोस्तों दो एक्स माइनस वाई बराबर एक। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर, यहाँ से क्या करिए दोस्तों, किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो x का निकाल लीजिए या तो y का निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों ये y यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस वाई, यदि हम यहाँ पे घटा दें तो एक प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करें x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों घटाने पर, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर, घटाने, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, y से y क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये क्या है माइनस में। अब क्या बचेगा, देखिए माइनस दो एक्स, यहाँ x बचा तो दो एक्स में से एक एक्स घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो घटेगा कितना आएगा माइनस एक्स ही आएगा बराबर। अब माइनस दो और ये कितना है माइनस एक, तो माइनस दो माइनस एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस तीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्योंकि दोनों तरफ क्या है दोस्तों माइनस माइनस, तो एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा आपको तीन, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एक्स बराबर तीन निकल जाएगा। जो x का मान प्राप्त होगा उसी को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, या तो समीकरण सेकंड में रख दीजिए, वहां से y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तब इसका मान क्या करिए आप, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो x का मान कितना रखेंगे आप तीन, तो यहाँ x से यहाँ क्या रख देंगे तीन, फिर माइनस वाई, तो y ऐसे ही रहेगा बराबर कितना दोस्तों माइनस दो। ठीक है, अब तीन को उस तरफ पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस दो, इधर पहले से ये इधर प्लस में, इधर आए किस में हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस कितना हो जाएगा तीन, तो माइनस वाई बराबर निकालेंगे तीन दो कितना हो जाएगा दोस्तों पाँच, यानी माइनस पाँच, माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों पाँच। ठीक है, वाई बराबर क्या निकल गया पाँच। आपको इसी को क्या, इसी का मान बताना था x और y का मान बताना था। ठीक है दोस्तों, तब आपका अभीष्ट भिन्न क्या प्राप्त होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे दोस्तों अभीष्ट भिन्न, तो अभीष्ट भिन्न हम क्या माने दोस्तों x बटा y माने थे। ठीक है, लेकिन x का मान कितना निकला तीन, तो नीचे क्या हो जाए, ऊपर क्या हो गया तीन, और नीचे y का मान कितना निकला पाँच, तो आपका तीन बटे पाँच, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभीष्ट भिन्न निकला तीन बटे पाँच, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में दिया है, बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में छः जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक बटा दो हो जाती है, यदि उसके हर में सात जोड़ दिया जाए तो वह एक बटा तीन हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या बताना है दोस्तों, भिन्न नहीं बताना, सेम टू सेम चौथे के जैसा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं, और हल में क्या लिखिए दोस्तों, मान लीजिए भिन्न, तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों माना भिन्न क्या एक्स बटा वाई, माना भिन्न क्या निकलेगा दोस्तों एक्स बटे वाई है। ठीक है, आप ये भिन्न मान लीजिए क्या x बटा वाई, अब इसी को लेकर क्या करना है आपको, हल कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो शर्त इसमें भी रखा गया है, तो पहले शर्त को हम लेकर क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। प्रथम शर्त में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, लिखिए यहाँ पे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में बोला है ये भिन्न के अंश में छह जोड़ दिया जाए, तो अंश क्या दोस्तों एक्स, इसमें क्या करेंगे छः जोड़ दिया जाए, फिर बोल रहा है तो भिन्न एक बटा कितना हो जाती है दो हो जाती है, यानी नीचे वाई में कुछ नहीं जोड़ना है, वाई को ऐसा रहने दीजिए, तब भिन्न क्या प्राप्त होता है एक बटा दो प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम अंश में कितना जोड़ दें छः जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जा रहा है दोस्तों एक बटा दो प्राप्त हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें आपको क्रॉस गुणा कर लेना है, हमको यहाँ से समीकरण प्राप्त करनी है, तो दो का हम एक्स में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दो एक्स, और दो का छः में करेंगे तो कितना आ जाएगा दो छंग बारह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाई का एक में करेंगे तो वाई एक का कितना आ जाएगा वाई आ जाएगा। अब क्या करिए, इसको आप पंचांतर कर लीजिए, तो दो एक्स वाई को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, और बराबर ये बारह उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस बारह। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका निकल गया समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त क्या बोला है दोस्तों, देखिए लिखे यहाँ पे द्वितीय
शर्त। द्वितीय शर्त देख लेते हैं, तो द्वितीय शर्त में बोला है यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। तो हर हर क्या दोस्तों, अंश x, x लिख दीजिए, और हर कितना है y, y में कितना जोड़ा है दोस्तों 7। अगर हम हर में कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो जो भिन्न प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 1/3 प्राप्त होता है। समझा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, x बटा वाई प्लस 7 कर देनी है बराबर में 1/3। अब 3 का हम x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3x, और बराबर अब देखिए दोस्तों y का इसमें गुणा करेंगे 1 में तो y 1 का y आएगा, प्लस 7 का 1 को करेंगे तो 7 1 का 7 आ जाएगा। ठीक है, y को इस तरफ पंचांतर कर लीजिए तो 3x y इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई, और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 7। समझा दोस्तों, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। अब इसी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेकर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। जब एक्स और वाई का मान निकल जाएगा तो हमें अभीष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखिए क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, यहाँ दिया है 2x माइनस वाई बराबर माइनस 12, और समीकरण सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई और बराबर कितना दोस्तों, बराबर में 7। यदि इसको हम क्या करें दोस्तों, घटा दें तो ये भी माइनस में प्लस में जाएगा, प्लस माइनस हमेशा क्या जाएगा, कट जाएगा, y और y यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखिए दोस्तों क्या, घटाने पर, तो घटाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्तों, समझा, घटाने पर जहाँ प्लस रहता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस 3x है, ये 2x है, तो ये माइनस में ये प्लस में, तो 3x में से 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स। और यहाँ देखिए दोस्तों ये माइनस वाई, ये प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नीचे वाले चिन्ह को ध्यान देना दोस्तों, इसको नहीं देखना है आपको, यहाँ पर देखना है, तो प्लस और ये माइनस, वाई से वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, माइनस 12 और माइनस 7, तो 12 7 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, लिखा जाता है लेकिन माइनस में ही, तो 12 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो निकले क्या, एक्स बराबर 19, यानी यहाँ का एक्स का मान कितना निकला दोस्तों, 19 निकला। जब x का मान निकल गया तब y का मान निकाल लीजिए, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x का मान निकला है इसी को समीकरण फर्स्ट में आप क्या करिए दोस्तों, रख दीजिए। ठीक है, तो लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी x का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए, x का मान, तो x का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 2x। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x, तो यहाँ क्या रखेंगे, x का मान रख देंगे, तो 2 तो ऐसे रहेगा लेकिन x का मान कितना हो जाएगा, 19, तो यहाँ हो जाएगा 19 माइनस y है तो y लिख लीजिए बराबर में क्या दोस्तों, माइनस 12। हमें यहाँ से y का मान निकालना है, तो y का निकालेंगे, 19 दुना कितना हो जाएगा, 38, 38 उस तरफ जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12 ऐसे रहेगा लेकिन ये कितना है दोस्तों, 38, 38 इधर जाएगा तो ये भी कितने हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस क्या निकलेगा दोस्तों, 38, तो माइनस वाई बराबर निकालेंगे 38 12 कितना हो जाएगा, माइनस 60। समझा दोस्तों, अब देखिए दोनों तरफ क्या है, 38 12 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा, 38 12 50, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 50। समझा दोस्तों, तो यहाँ से एक्स और वाई का मान क्या हो गया, निकल गया। अब हमें क्या निकालना था, अभीष्ट भिन्न, तो अभीष्ट भिन्न क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे लिख दीजिए, लिखिए अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न, तो अभीष्ट भिन्न हम क्या माने दोस्तों, एक्स बटा क्या माने थे, वाई, तो एक्स का मान कितना निकलेगा, 19, यहां देखिए 19 निकला है, तो इसके जगह लिख देंगे एक्स की जगह 19 और बटे वाई, वाई का मान कितना निकला दोस्तों, 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा बटे में, 50, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए
तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, आपसे क्या बोला है दोस्तों, भिन्न पूछा है, भिन्न ज्ञात करना है। तो जो नहीं पता रहता उसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए आप हल, हल लिखने के बाद लिखिए आप माना, लिखिए आप दोस्तों माना क्या, अभिष्ट भिन्न, यानी माना भिन्न क्या है आपका, x बटे y। ठीक है दोस्तों, हमेशा भिन्न जो होता है वो किस में होता है, अंश बटे हर में होता है। तो इसलिए हम जो भिन्न मानेंगे किस में मानेंगे, x बटा वाई के रूप में। समझ आया दोस्तों। अब फिर क्या बोल रहा है कि अब इसमें शर्त, इसमें भी दो शर्तें दी गई हैं दोस्तों। प्रथम शर्त क्या है, चलिए उस प्रथम शर्त के अनुसार से हल करते हैं। तो लिखिए यहां पे दोस्तों प्रथम शर्त, ठीक है। तो प्रथम शर्त लिखेंगे, प्रथम शर्त में बोला दोस्तों भिन्न के अंश और हर में क्या किया जाए, दो जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का अंश क्या दोस्तों, एक्स, इसमें क्या किया जाए, दो जोड़ दिया जाए। हर क्या दोस्तों, वाई, वाई में भी क्या कर दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए। इसमें बोला है कि भिन्न के अंश यानी एक्स में दो जोड़ दिया जाए और हर वाई में भी क्या किया जाए, दो जोड़ दिया जाए। तो भिन्न का मान जो प्राप्त होता है वह होता है 9/11 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जो भिन्न का मान प्राप्त हो रहा है क्या हो रहा है, 9/11। अब क्या करें, 11 का x में गुणा कर लेंगे। तो 11 का जब x में गुणा करेंगे 11 क्या हो जाएगा, 11x, और प्लस 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूना कितना, 22। अब क्या करें दोस्तों, 9 का y में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 9y, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। इतना समझ आया दोस्तों। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, 9 को इस तरह पंचांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x, 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9y बराबर में क्या है, 18, प्लस में तो 18 को ऐसे लिखे रहिए, 22 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर 11x को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, -9y भी ऐसे रहेगा, 18 में से 22 घटेगा नहीं, तो 22 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, -4। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट निकल गया प्रथम शर्त से। अब द्वितीय शर्त से समीकरण सेकंड निकाल लीजिए, तो यहां लिखिए द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त से क्या होगा दोस्तों, द्वितीय शर्त में बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है दोस्तों, यानी अंश क्या है, एक्स, एक्स में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, और फिर क्या बोला है, हर, हर यानी वाई है, वाई में भी क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो जो हमें भिन्न प्राप्त होता है, भिन्न का मान वो 5/ कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। इतना समझ आया दोस्तों, जो द्वितीय शर्त में क्या निकलेगा, एक्स प्लस 3/y + 3 बराबर 5/ हमें क्या प्राप्त होता है, 6। इसका भी आप क्या करिए, क्रॉस गुणा करिए। तो इसका जब क्रॉस गुणा करेंगे, 6 का एक्स में करेंगे क्या निकलेगा, 6x, और 6 का 3 में करेंगे तो 6 कितना निकल जाएगा दोस्तों, 18। वाई का 5 में करेंगे तो क्या निकलेगा, 5y, और 3 का 5 में करेंगे 3 कितना हो जाएगा, 15 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करिए, यहाँ से पंचांतर कर लीजिए इसको, तो 6x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 6x क्या रहेगा दोस्तों, ऐसे ही रहेगा, और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5y बराबर 18। उस तरह पंचांतर कर देंगे, इधर कितना है दोस्तों, 15 है, 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इतना समझ आया। अब यहाँ से क्या करिए, इसको घटा लीजिए दोस्तों, समीकरण सेकेंड प्राप्त कर लीजिए। तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, 6x और -5y ऐसे रहेगा, 15 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि 15 में से 18 घटेगा नहीं, 18 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा -3 बचेगा दोस्तों। तो इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड कर लेंगे। समझ आया दोस्तों। अब देखिए, समीकरण सेकंड, फर्स्ट व सेकंड यहां से प्राप्त हो गया। जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड निकल जाए तो आप क्या करिए दोस्तों, वहां से प्रयास करिए एक्स और वाई का मान निकल जाए, ठीक है। तो एक्स और वाई का मान तभी निकल पाएगा जब दोनों समीकरणों में कोई एक पद क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कोई पद बराबर दिख रहा है। देखिए यहाँ पहले वाले समीकरण में क्या दिख रहा है, 11x, इसमें कितना दिख रहा है, 6x, बराबर नहीं है। इसमें दिख रहा है -9y, इसमें दिख रहा है -5y, इसमें भी बराबर नहीं है। तो चलिए पहले किसी एक पद को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करिए दोस्तों, अगर हम समीकरण फर्स्ट में 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमको वाई को बराबर करना है, तो वाई को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ कितना है, 5, तो हम 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। यहाँ 5 है तो 5 में 9 से गुणा करेंगे, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। यहाँ 45y हो जाएगा, यहाँ भी 45y हो जाएगा, यानी कट जाएगा वाई से वाई। तो क्या करिए दोस्तों, यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में 5 तथा समीकरण सेकंड में
9 से गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 5 तथा समीकरण सेकंड में 9 से गुणा, ठीक है, 9 से गुणा करने पर। तो चलिए दोस्तों हम इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब गुणा करेंगे तो पहले समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। यानी यहाँ क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 55x। और फिर 9 पचे कितना, 45। माइनस है, मान लीजिए 45 क्या प्राप्त होगा, वाई। समझ आया दोस्तों। देखिए 5 का हम गुणा करेंगे 11 में, तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। बगल में x है तो x लिख दीजिए। फिर 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 45। बगल में y है तो y लिख दीजिए। फिर 5 का गुणा बराबर में कितना दोस्तों, -4। तो 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, -20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 55x हो गया। अब 9 से गुणा करना है समीकरण सेकेंड में, तो समीकरण सेकेंड यही ना है दोस्तों, तो इसमें समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे आप, 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 छंग 54 हो जाएगा। यानी यहाँ निकले कितना, 54x। और 9 से गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो 9 पचे कितना निकलेगा दोस्तों, 45y। ठीक है, बराबर। अब 9 से गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो 9 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। यहाँ पर क्या निकलेगा, -27 निकलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो घटाएंगे चिन्ह क्या होता है दोस्तों, बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 55x है यहाँ, माइनस कितना है, 54x। तो 55 में से 54 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, 1x। एक लिखा नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स। और 45y माइनस में, 45y प्लस में, ये कट जाएगा। ये बराबर में क्या निकलेगा दोस्तों, -20। और यहाँ प्लस 27 है, 27 में से 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो निकलेगा x का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 7। तो x का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब जब x का मान 7 निकल गया तो इसी से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो दोस्तों इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए 11x। तो 11 का गुणतक 7 में गुणा होगा, 11 गुणते कितना हो जाएगा, 7। और माइनस कितना है, 9y। और बराबर में कितना दोस्तों, -4। ठीक है, अब 11 सत्तर कितना हो जाएगा, 77। 77 को उस तरफ ले जाएंगे तो -9y ऐसे रहेगा, और -4 और इधर रहेगा 77, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -77। ये जुड़ जाए, -9y बराबर कितना निकलेगा, मैंने दोस्तों -77 और 4 कितना हो जाएगा, -81। हमें क्या करना है, यहाँ से y का मान निकालना है। तो y बराबर निकालेंगे तो -81 बटे -9 क्या निकलेगा, 9। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 9 81। तो y बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 9 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल गया y का मान, 9 निकल गया। हमें क्या पूछा था दोस्तों, भिन्न बताना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम आपको बताया दोस्तों, अभीष्ट भिन्न हमने क्या माना है दोस्तों, यहाँ लिखे भिन्न। तो भिन्न हमने क्या माना है, यहाँ पे x बटे y माना है। तो x का मान कितना निकला दोस्तों, 7। और y का मान निकला दोस्तों, 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 7 बटे 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। यानी पता नहीं है कौन संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, मान कर हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, दो समाना दो संख्याएं क्रम से, एक को x मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ठीक है, तो यहां लिखिए माना, हल लिखिए दोस्तों, हल लिखने के बाद लिखिए माना। तो हल में लिखिए माना,
दो संख्याएं क्या माना, दो संख्याएं क्या क्या है दोस्तों, माना दो संख्याएं। ठीक है, आप इसके पहले जैसे अगला सवाल बताया गया था, क्वेश्चन नंबर लगभग चार और बताया गया था, क्वेश्चन नंबर तीन बताया गया दोस्तों, उस तरीके से भी कर सकते हैं, या मैं इस तरीके इसमें थोड़ा रूल चेंज करके बता रहा हूँ, उस तरीके से भी कर लीजिए, जो आपको दोनों अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार की तरह करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर चार को इस तरीके से कर लीजिएगा, या तो हम देखिए एक तरीका और बता रहे हैं इसमें। माना दो संख्या है, ठीक है, माना दो संख्या है, क्रमशः क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए क्रमशः एक्स और क्या ले लीजिए दोस्तों, एक्स तथा वाई है। ठीक है, इसमें दो संख्याओं का अंतर पूछा नहीं है, दो अलग अलग लेते हैं। उसमें क्या किया गया दोस्तों, सिर्फ x माना गया था और उसमें गुना बोला था, गुना करके हम उसको क्या किए थे, एक तीन गुना बोला था, तो इन दोनों को जोड़ के बराबर 64 कर लिए थे क्वेश्चन नंबर तीन में। लेकिन क्वेश्चन नंबर सात में हम दो को अलग अलग मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दो तरीके से देखेंगे तो दोनों में से जो आप बेस्ट लगेगा उस तरीके से सवाल को हल करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बोला है दो संख्याएं क्या हो गए, क्रमशः एक्स तथा वाई हो गए। अब बोला है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 26, यानी x और माइनस वाई, अंतर का मतलब होता है घटाना, यानी x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, बराबर 26 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर 26 निकलेगा, इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर बोला है पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की कितनी गुनी है दोस्तों, तीन। यहाँ बोला एक संख्या जो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, यानी जो एक संख्या है एक्स, दूसरी संख्या कितनी गुनी है इसकी, तीन गुनी। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या जो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो इसमें हम गुना करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, समीकरण सेकंड। समझा दोस्तों, बोला है पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, तीन गुनी, तो तीन गुनी ये है ना, तो अगर हम तीन से इसमें गुणा करेंगे तब तो ये बराबर हो जाएंगे, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, तीन वाई। अब x का मान हम समीकरण क्या करेंगे, फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखिए x का मान, या समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, जब इसका मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, तो x का जगह कितना रख देंगे दोस्तों, तीन वाई, तो जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, तीन वाई और माइनस क्या दोस्तों, y, और बराबर में कितना है, 26, तो बराबर में आप क्या लिख देंगे, 26। अब देखिए तीन वाई में से y एक घट जाएगा तो बचेगा कितना, दो वाई, और बराबर में कितना दोस्तों, 26। y बराबर निकालना होगा तो क्या होगा, दो कहाँ जाएगा, बटे में, तो 26 बटे कितना हो जाएगा, दो, दो से काटेंगे 13 दूना कितना निकलेगा, 26, यानी यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों, y का मान, y बराबर निकल जाएगा 13। जब y का मान निकल जाएगा तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, x का भी मान निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखिए दोस्तों y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर, जरूरी नहीं है दोस्तों y का मान आप समीकरण सेकेंड में ही रखिए, आप फर्स्ट में भी रखेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब y का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो x बराबर कितना है दोस्तों, 3 y, y का मान कितना निकला है दोस्तों, 13। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x बराबर 13 या कितना निकल जाएगा, 39। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारा संख्या क्या निकल गया, 39। यदि 39 में से हम 13 घटा देंगे तो 26 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अतः हमारी जो संख्याएं निकली हैं वो क्या निकली हैं दोस्तों, यहाँ लिख दिए संख्याएं, तो अतः जो हमारी संख्याएं थी वो क्या थी दोस्तों, पहला क्या था, 39, एक्स का मान 39, और जो दूसरा था वो कितना था दोस्तों, 13। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ में बोला है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करिए। इसमें आपको दोस्तों पैदल चाल भी ज्ञात करनी है और साइकिल की भी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम अलग अलग दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो पहले मान लिया करें। ठीक है, घर से पिकनिक की पहले दूरी जान लीजिए। अभी दूरी हमको पता ही नहीं है तो पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, दूरी निकालेंगे, दूरी कितनी है। तो पहले मान लेते हैं क्या, माना
घर से पिकनिक की दूरी, जहाँ पिकनिक पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पिकनिक की दूरी। तो दूरी जो होगा दोस्तों, मान लेते हैं कितना किलोमीटर होगा, x किलोमीटर, ठीक है। दूरी जो होती है हमेशा किसमें मापी जाती है, किलोमीटर में, ठीक है। तो इसलिए हम दूरी को किसमें मान लेंगे, किलोमीटर। तो माना घर से पिकनिक की जो दूरी है वो x किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर बोला पैदल चाल, तो निकाल लीजिए यहाँ दोस्तों पैदल चाल। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जब पैदल चलेगा तो कुछ दूरी जाएगा, तो दूरी कितना माने दोस्तों, पिकनिक की दूरी कितना है, x। और जब पैदल जाता है तो उसको समय कितना लगता है दोस्तों, पिकनिक में स्थल जो स्थल पैदल जाता है तो उसे 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं दोस्तों, 6। तो यहाँ लिखिए पैदल चाल x बटा कितना निकल जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। किलोमीटर क्या जाएगा, प्रति घंटा। यानी पैदल जाता है तो दूरी तो हमें पता नहीं है, तो हम पिकनिक की दूरी कितना माने, x माने, तो x हो जाएगा दूरी, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। नीचे समय हो जाएगा कितना, 6। समझ आया दोस्तों। ऊपर जो है ये, ऊपर जो पिकनिक की दूरी x है, पिकनिक की दूरी है, और जो 6 है ये आपका क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया, ठीक है। तो पैदल चाल निकला x बटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको आगे क्या निकालना, अब साइकिल की औसत चाल निकालनी है, तो चलिए हम साइकिल की भी औसत चाल निकाल लेते हैं। तो साइकिल की औसत चाल लिखिए यहां पे, साइकिल की औसत चाल। तो साइकिल की यदि औसत चाल निकालेंगे दोस्तों, तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारा क्या है दोस्तों, एक्स, ये पिकनिक की दूरी है। अब साइकिल से जाता है तो कितना घंटा लगता है दोस्तों, 2 घंटे में तय करता है बोला। किंतु वही साइकिल से उसी दूरी को वह क्या करता है दोस्तों, 2 घंटे में तय करता है। यानी समय तब कितना लगता है जब साइकिल जाता है, 2 घंटे लगता है। यानी तब क्या निकलेगा चाल दोस्तों, एक्स बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, समझा दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है उसको हल करिए। इतना निकल जाएगा तो फिर बोला यदि उसकी चाल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो साइकिल से चाल उसका है औसत चाल से 7 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा अधिक है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अधिक है जिसमें उस पर हम जोड़ देंगे। साइकिल की चाल यहाँ लिखिए दोस्तों प्रश्नानुसार, अब प्रश्न जैसा बोला उसके अनुसार हम करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार साइकिल की चाल जो है x बटा कितना है, 2 है, और क्या है पिकनिक जो पैदल चाल है x बटा कितना है, 6। लेकिन जो x बटा 6 या x बटा 2 साइकिल जो चाल है वो इसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या है, अधिक है। यानी अधिक साइकिल से है ना, तो हम पैदल वाले में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, तब ये समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जिसमें अधिक बोला जाता है उसमें नहीं जोड़ा जाता है, उसके विपक्ष वाले जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी तभी ये समीकरण आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते, अन्यथा बराबर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेना है, ठीक है। चलिए हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो पहले 6 का 7 में करिए, एक्स बटा 2 को ऐसे रहने दीजिए बराबर में, x ऐसे रहेगा, 6 सते कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 42, और नीचे 6 है तो नीचे 6 को भी ऐसे रहने दीजिए। इतना समझ आया दोस्तों। अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 1 = 2 ऐसे रहेगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, यहाँ कट जाएगा दोस्तों। नीचे नीचे संख्या बराबर में अगर रहती है या ऊपर मिलेगा या तो नीचे मिलेगा, कटने लायक रहता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, काट देते हैं, ठीक है, ताकि सवाल आपको लंबा ना हो। तो 3 से जब x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 3x, और 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, 1 का 42 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 42 ही आएगा, ठीक है। यहाँ समझ आए ना, अब x को इस तरह पंचांतर कर लीजिए, तो 3x है, 1x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 3x - x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 42 निकलेगा, ठीक। अब x घटाएंगे 3x में से, x घटाएंगे कितना बचेगा, 2x, और बराबर क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, 42 प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, जब x निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 42 और बटे नीचे कितना है, 2 से इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। जब काट देंगे दोस्तों तो x का मान कितना प्राप्त होगा, x बराबर निकलेगा।
दो दूनी चार और दो इक्का दो, यानी हम 2 से 42 को काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों 21। इतना समझ आया दोस्तों। अब एक्स का मान हमारा क्या निकल गया, 21 निकल गया, यानी जो एक्स है ये दूरी है, यानी जो दूरी निकली कितनी निकली दोस्तों 21 किलोमीटर। ठीक है, ये के एम का मतलब होता है किलोमीटर। एक्स बराबर जो निकली दूरी पिकनिक की दूरी यानी घर से कितनी थी दोस्तों 21 किलोमीटर की दूरी थी। यक्स माने थे ना दोस्तों घर से पिकनिक की दूरी कितनी माने यक्स, तो यक्स का मान कितना निकला 21, यानी जो यक्स निकला है वो घर से पिकनिक की दूरी थी 21, यानी जो क्या था वो जो घर से निकलता था उससे घर से पिकनिक की दूरी कितनी थी 21 किलोमीटर। अब क्या करेंगे पैदल चाल जा यहाँ से घर से पिकनिक की दूरी कितना जाता था पैदल चाल, तो पैदल चाल निकाले थे पहले दोस्तों, तो पूछा था पैदल चाल, तो पैदल चाल निकाल लेंगे तो पैदल चाल बराबर क्या था दूरी, दूरी बटा यहाँ देखिए देखिए दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है दोस्तों एक्स और समय कितना लगा था दोस्तों 6। तो अब हम यहाँ निकाल लेंगे एक्स का मान कितना निकला दोस्तों 21 और नीचे रहेगा 6। अब हम इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 3 18 कितना बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 6 से 21 से भाग देंगे 3 दशमलव कितना आएगा 5, तो ये क्या निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो उसकी पिकनिक यहाँ से क्या था पैदल जाता था तो 3.5 किलोमीटर एक घंटे में वो जाता था। ठीक है, लेकिन साइकिल से कितना जाता था ध्यान दीजिए, अब साइकिल की चाल निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए साइकिल साइकिल चाल, पैदल चाल तो पता हो गया, अब लिखिए साइकिल चाल, तो साइकिल चाल क्या निकलेगा दोस्तों यहाँ लिखिए साइकिल की चाल एक्स बटा दो, तो x ऊपर रहे बटा 2, x का मान कितना निकला दोस्तों 21 और बटे में 2। और जब हम यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 से 21 को काटेंगे तो 2 दहम में 20, 1 बचेगा दशमलव लग जाएगा, 2 5 10, यानी 10.5 किलोमीटर वो क्या करता था एक घंटे में साइकिल से जाता था। ठीक है दोस्तों समझ आया, यानी जो पैदल वो जाता था तो उसको कितना समय लगता था 3.5 घंटे, यानी 3.5 को हम 3.5 घंटे बोलेंगे, और साइकिल से जाता था तो उसको 10.5 घंटे लगते थे अपने पिकनिक पे जाने में, यानी 21 किलोमीटर की उसकी पिकनिक थी और इसको इतने समय लगते थे। तो यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर हो जाएगा, पैदल चाल आपका निकल जाएगा 3.5 और साइकिल की चाल निकल जाएगी 10.5, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ में बोला है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यानी जब 30 किलोमीटर दोनों को चलना है लेकिन जब अजीत को अमित से 2 घंटे समय क्या लग रहा है अधिक लग रहा है, यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की हमें क्या ज्ञात करनी है दोस्तों चाल ज्ञात करनी है। तो यानी हम चलिए दोनों की चाल हम अलग अलग मान लेते हैं, तो चलिए हम मान लेते हैं दोस्तों अजीत की चाल x और अमित की चाल हम क्या मान लेते हैं दोस्तों y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो माना, सभी क्वेश्चनों में हमें मानकर ही हल करना है, यहाँ लिखिए दोस्तों हल उसके बाद लिखिए माना। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों लिखिए माना अजीत की चाल, तो अजीत की यहाँ से चाल निकाल लेते हैं, तो अजीत की कितनी चाल निकलेगी दोस्तों मान लीजिए x क्या किलोमीटर प्रति घंटा, के या मतलब किलोमीटर और ये प्रति क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों h किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये तो किसकी चाल हो गई दोस्तों अजीत की चाल हो गई, अब हम क्या करेंगे अमित की भी चाल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए अमित की चाल, तो अमित की चाल क्या मान लेते हैं दोस्तों y मान लेते हैं, तो इसको कितना समय लगता है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों फिर अजीत को लगा समय निकाल लेते हैं सभी को, अब कुल दूरी कितनी दी है दोस्तों 30, कितना कुल दूरी है दोस्तों 30 किलोमीटर, आप यहां लिखना चाहें तो लिख भी दीजिए क्या कुल दूरी, कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, तो कुल दूरी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है कुल दूरी दिया गया है 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों,
अब ध्यान दीजिए, 30 के अजीत को लगा समय। अब कुल दूरी चलने में अजीत को कितना समय लग रहा है दोस्तों? तो समय तो पता नहीं है, तो हम समय को क्या ले लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अमित को वाई, अमित का वाई ले लेते हैं, उसका एक्स ले लेते हैं अजीत का। तो लिखिए अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय। तो अजीत को क्या समय लगेगा दोस्तों? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या होगा? दूरी बटे चाल होगा फार्मूला होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है दोस्तों? दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन चाल कितना अजीत का है? x किलोमीटर। तो क्या निकलेगा? 30 बटा x निकल जाएगा। ठीक है, अब अमित का भी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये क्या निकल गया दोस्तों? 30 बटा x, ये समय है, तो क्या हो जाएगा? आवर। ठीक है, समय को हम किससे व्यक्त करेंगे? यहाँ पे घंटे में लिखेंगे। ठीक है, घंटा। अब अजीत का निकल गया, तो अमित का भी निकाल लीजिए दोस्तों। अमित को लगा समय, तो अमित का निकालेंगे, क्या निकलेगा दोस्तों? अमित का हो जाएगा, यहां भी क्या निकलेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना दोस्तों? 30 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी है? 30। तो ऊपर कितना लिख देंगे हम? 30। और चाल कितना हो जाएगा अमित का? वाई है, तो वाई लग देंगे। यह अभी क्या निकल जाएगा दोस्तों? 30 बटा वाई घंटा। इतना समझा? अब क्या दोस्तों बोला है कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, यानी जो अमित है उसको कितना घंटा समय अधिक लगता है? 2 घंटा समय अधिक लगता है। तो 2 घंटा समय उसको अधिक लगता है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये अजीत है, अजीत कितना चल रहा है? 30 बटे एक्स है, और बराबर में क्या दोस्तों? 30 बटे ये अमित हो गया, लेकिन 2 घंटा समय किसको अधिक लगता है? अमित को। तो इसके में हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 30 बटे वाई को इस तरह पंचांतर कर लेंगे, तो 30 बटे एक्स ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 30 बटे क्या निकलेगा? वाई, और बराबर में क्या निकल जाएगा दोस्तों? 2। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। इतना समझ आया दोस्तों? यहाँ से हमें समीकरण फर्स्ट निकला। अब चाल जो होगा, 2 गुनी होने पर अमित की चाल। अब जब चाल क्या कर दिया जाए? 2 गुनी कर दिया जाए। देखिए, फिर इसमें बोला है कि यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे, तो अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। जब वो अपनी क्या कर देगा? 2 गुनी कर देगा, तो क्या करेगा? समय कम लगेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? चाल 2 गुनी होने पर। ठीक है दोस्तों, चाल 2 गुनी, चाल क्या होने पर दोस्तों? 2 गुनी होने पर। जब चाल क्या होगा? 2 गुनी होगा। तो जब चाल क्या होगा? 2 गुनी होने पर, तो अजीत की, अमित की चाल क्या निकलेगी दोस्तों? यहाँ से 2x निकल जाएगी। ठीक है, अमित की चाल क्या निकलेगी? अजीत का x है, तो अजीत की चाल क्या निकलेगी दोस्तों? 2x। अजीत की चाल तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी चाल, क्या होगी दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, यहां से क्या हो गया? अजीत की चाल निकल गई। अब ये क्या निकलेगा यहां से दोस्तों? समीकरण आप यहां से सेकंड निकाल लीजिए। ठीक है, जब 2 किलोमीटर चाल की प्रति घंटा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? जहां y है वहां क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 2x हो जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए यहां पे कितना है? 30, ये पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे चाल क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे आप? डायरेक्ट लिख दीजिए रहे हैं दोस्तों यहां पे हम, यहां जैसे क्या हो जाएगा? 30y, ये 30y क्या हो जाएगा? अजीत हो जाए, ये अमित की चाल हो जाएगी। ठीक है, और बराबर किसका? अमित। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 बटे 2 गुना होने पर 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस कितना? 1। क्या बोला था दोस्तों? कर देने पर 1 घंटा समय कम लगेगा।
तो कम लगेगा, यानी हम इसमें एक क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। ठीक है, घटाने के बजाय इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ पंचांतर कर लेंगे, तो क्या निकलेगा दोस्तों, 30/y ऐसे ही रहेगा, रहने दीजिए 30/y। ठीक है दोस्तों, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा, 30/2x और बराबर क्या निकलेगा, एक। ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेकर हम क्या करेंगे दोस्तों, हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हल कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है 30/x माइनस 30/y बराबर कितना, 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 30/y माइनस क्या, 30/2x और बराबर कितना दोस्तों, 1। अब इसको क्या करिए आप, घटा दीजिए, यहाँ लिखिए क्या, जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए 30/y माइनस में 30/y प्लस में, ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा 30/x, तो यहाँ लिखेंगे 30/x और ये क्या बचेगा दोस्तों, माइनस 30/2x और ये जुड़ेगा 2, 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, यहाँ जुड़ के कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो x का मान कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका हम यदि यहाँ गुणा करेंगे दो, या तो आप एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, जो बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, यानी 2x निकलेगा। तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा 2, 2 से 30 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 60 माइनस 2x से 2x कटेगा, बचेगा सिर्फ कितना, 30 और बराबर में कितना है दोस्तों, 3। अब इसको क्या करिए आप, घटा दीजिए, 30 में से जब 60 में से 30 घटे कितना बचेगा दोस्तों, 30 और नीचे कितना है, 2x बराबर 3। अब क्या करिए दोस्तों, इसका गुणा कर लीजिए, तो 2x का 3 में करेंगे तो यहाँ बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो 2x का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2×3 6x और 30×1=30। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना होगा, तो 6×5=30 डायरेक्ट काट दीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। एक्स का मान यहाँ से कितना निकला दोस्तों, 5 निकल गया। जब x का मान, और x जो क्या है, किलोमीटर है, चाल है ना, तो अजीत की चाल निकला, ये क्या है, x जो है अजीत का चाल है, तो क्या निकला दोस्तों, x की यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अजीत का निकल गया। अब क्या करना है, अमित का निकालना है, तो अमित का निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x का मान दोस्तों क्या करिए आप, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो चलिए हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो x समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है 30/x, यानी हम क्या लिखेंगे, 30/x का मान निकला है 5 यहाँ, तो क्या आ जाएगा, 5 और माइनस 30/y लिख दीजिए और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, दिया है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 5×6=30 6 आएगा, 6 को उस तरह पंचांतर कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 यहाँ माइनस 30/y बराबर 2 माइनस इधर आएगा 6, समझ आए। अब क्या करेंगे, यहाँ घट जाएगा तो माइनस 30/y बराबर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4, इतना समझ आए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालेंगे क्या आएगा, 4y, यहाँ बटे में एक मान लेंगे, 4 का y में गुणा होगा, 4y आ जाएगा और बराबर 30×1=30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे भी हल कर लेते हैं, y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 4/2 जाएगा, यानी 30/ कितना आएगा, 4, 4 से भाग कर दीजिए, जब 4 से आप इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4×7=28, 2 बचेगा, 10 लगेगा, 20 हो जाएगा, 4×5=20, यानी इसका जो चाल निकलेगा कितना निकलेगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो लिख दीजिए जो इन दोनों का चाल निकला, अलग अलग निकला, यानी जो x था या अजीत का चाल था, तो लिखिए अजीत की चाल, तो अजीत का चाल क्या था दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा
और ये था अमित की चाल, तो यहाँ लिख दीजिए अमित की चाल। तो अमित की चाल क्या निकलेगी दोस्तों, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी जो ऋतु है वो अनुकूल, मतलब जो धारा की दिशा अनुकूल है, अनुकूल की दिशा जिधर धारा बह रही है उधर अगर तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है तो कितना, सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यानी उसका जो स्थिर जल में तैरने की चाल है वो ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों माना, ठीक है, अब लिखिए माना। तो माना में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम स्थिर जल में तैरने की चाल निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में जब तैरने की चाल निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल होती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा उसका मात्रक होता है, ठीक है। अब हम धारा की चाल निकालेंगे, तो हम जब ये जल में तैरने की चाल हम यक्स मान लेते हैं और धारा की चाल पूछा है, धारा को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, वाई। लिखिए धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम जल में तैरने की चाल, हमें जल का पूछा है स्थिर जल में, तो स्थिर जल की जो चाल होगी वो एक्स मान लेते हैं और धारा की चाल जो मान लेते हैं दोस्तों वाई। अब धारा के अनुकूल जो चाल है वो देख लेते हैं दोस्तों, यानी धारा जिधर बह रहे उधर में, तो लिखिए यहाँ पे धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे। तो धारा क्या है दोस्तों, एक्स और प्लस क्या हो जाएगा वाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक्स प्लस क्या निकलेगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? लेकिन ये धारा के प्रतिकूल निकाल लेते हैं दोस्तों, तो धारा के प्रतिकूल चाल, जब इसका प्रतिकूल यानी विपरीत निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। इतना समझ आया दोस्तों? धारा के अनुकूल जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो चाल होगी कुछ धारा की भी चाल होगी और क्या होगी, अपने चाल से भी कुछ जा रहा होगा, जो ऋतु है वो तैर रही होगी। लेकिन जब प्रतिकूल में आएगी तो धारा उसको क्या करती जाएगी, ठेलती जाएगी पीछे की तरफ, इसलिए उसका चाल स्लो हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें दो शर्त के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों शर्त को लेकर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम शर्त को देखते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त बोला पहले हम निकालेंगे धारा के अनुकूल चाल, तो यहां लिखिए दोस्तों धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो इसका फार्मूला होगा कुल तय की गई दूरी, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो कुल तय की गई दूरी हो जाएगा यहां पे, तय की गई दूरी, ठीक है। अब बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों, कुल लगा समय, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा दोस्तों कुल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो सबसे पहले क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल क्या है दोस्तों, धारा के अनुकूल चाल x प्लस वाई, यहां देखिए दोस्तों x प्लस वाई, तो यहां क्या लिख देंगे हम, x प्लस वाई लिख देंगे, ठीक है, और बराबर में कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है दोस्तों, 20 किलोमीटर, धारा की दिशा में 2 घंटे में कितने किलोमीटर तय कर रही है, 20,
यानी कुल तय की गई दूरी 20 है और समय कितना लग रहा है 2 घंटे। 2 से काटेंगे, 2 दहम में क्या निकलेगा 20, यानी x प्लस वाई बराबर निकल जाएगा 2 दहम में 20 यानी 10। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए। तो यहां लिखिए धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के, ये द्वितीय शर्त लिख दीजिए, यहां लिखना चाहिए दोस्तों, तो लिखना चाहते हैं तो द्वितीय शर्त लिख दीजिए, धारा के प्रतिकूल चाल। तो धारा के जब हम प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, इसमें भी वही रहेगा। जब प्रतिकूल लिख दीजिए, लिखना चाहे तो यहां भी आप लिख दीजिए, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो देखिए दोस्तों, धारा के प्रतिकूल चाल क्या है यहां पे, x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, जैसे कुल तय की गई दूरी है तो 4 किलोमीटर, कितनी तय दूरी तय की गई दोस्तों 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, कितना लग रहा है दोस्तों समय 2 घंटे। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी x माइनस वाई बराबर क्या निकलेगा दोस्तों 2। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से समीकरण हमें क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड प्राप्त हो गया। अब समीकरण जब सेकेंड प्राप्त हो गया तो इसी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करके हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते दोस्तों, हल कर लेते। तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, x प्लस वाई और बराबर कितना 10, और सेकेंड क्या है x माइनस वाई बराबर 2। चलिए इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे y से y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, x x क्या निकलेगा 2x, और 10 2 कितना निकल जाएगा दोस्तों 12 निकल जाएगा। इतना समझ आया, हमको क्या करना है यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 से काटेंगे, 2 छंक कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी जो x का मान निकलेगा वो 6 निकला, और ये 6 है वो किलोमीटर प्रति क्या है घंटा, यानी चाल है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। ठीक है, x को क्योंकि हमने क्या माना है, चाल माना है, x बराबर 6 निकला, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और y बराबर निकालेंगे तो लिख देंगे x का मान समीकरण क्या करने पर दोस्तों, फर्स्ट में रखने पर, तो इसी का मान आप समीकरण क्या करिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान कितना है 6, और प्लस वाई बराबर क्या है 10, 6 उस तरफ जाएगा तो y बराबर निकलेगा 10 माइनस 6, तो y बराबर निकालेंगे 10 में 6 घटे कितना बचेगा 4, तो यहां से y का मान कितना निकल गया दोस्तों 4, ये क्या निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी निकल गया। यानी जो ये x निकला है वो स्थिर जल में तैरने की चाल थी, y जो निकला है धारा की चाल है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आंसर में लिखना चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में तैरने की चाल क्या निकला दोस्तों 6 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और ये जो y है वो धारा की चाल है। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिख दीजिए धारा की चाल, धारा की चाल क्या निकली 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लिख दीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/ कितना हो जाती है, 4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना भिन्न, अभी भिन्न पता ही नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां लिखिए माना, हल करिए, हल लिख दीजिए माना। तो माना क्या दोस्तों, भिन्न, जो भिन्न है वो क्या निकलेगा, x/y। मान लीजिए क्या, भिन्न, तो भिन्न जो होगा वो क्या होगा, x/y है। ठीक है, ये जो मैंने भिन्न माना क्या माना, x/y मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें दो शर्त बोला है, चलिए हम प्रथम शर्त को लेकर हल करते हैं। हम प्रथम शर्त को लेकर हल करेंगे दोस्तों, तो प्रथम शर्त में बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी यह अंश क्या है दोस्तों, एक्स। एक्स में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो जो भिन्न है वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये क्या कहते हैं दोस्तों, अंश। अंश क्या है आपका, एक्स है। एक्स में से हम 1 घटाते हैं तो जो हमारा भिन्न है वो कितना हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस गुणा। तो 3 का x में गुणा करेंगे क्या निकलेगा, 3x, और 3 का 1 में करेंगे 3 निकलेगा। y के 1 में करेंगे तो क्या आएगा, y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब y को इस तरह पंचांतर कर लिए, 3 को इस तरह भेज दीजिए, तो इधर 3x ऐसे रहेगा, ये y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या निकलेगा दोस्तों, +3, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण आप क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। इतना समझा, अब समीकरण फर्स्ट निकल गया, द्वितीय शर्त से हल कर लेते हैं। तो यहां लिखिए दोस्तों द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला है, द्वितीय शर्त में बोला है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में क्या हो, 8 जोड़ दिया जाता है। क्या हो दोस्तों, हर में हम क्या कर दे, 8 जोड़ दे, यानी अंश क्या है, एक्स, हर क्या दोस्तों, वाई। वाई में हम क्या करें, 8 जोड़ दें तो जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का एक्स में गुणा करेंगे क्या निकलेगा दोस्तों, 4x, और वाई के इसमें गुणा करें, वाई 1 का y, 8 गुणा करेंगे, 8 1 का 8। अब क्या करेंगे, वाई को इस तरह पंचांतर कर लेंगे तो 4x y उधर आएगा, -y बराबर क्या निकलेगा, 8। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करके यहां से क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। देखिए दोस्तों, लिखिए यहां पे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है 3x - y = 3, और समीकरण सेकेंड है 4x - y = 8। यहां घटाने पर लिख दीजिए, तो लिखिए घटाने पर, तो घटाएंगे दिया क्या है, प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, माइनस। तो वाई से वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो कट जाएगा। -4x में 3x घटे कितना चाहिए दोस्तों, -x बचे, क्योंकि 1x - 1x लिखा रहा है, 1 लिखा नहीं जाता तो -x लिखा जाएगा यहाँ पे। 8 में से 3 घटेगा तो कितना चाहिए दोस्तों, -5, क्योंकि 8 के साथ क्या है, माइनस संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या करेंगे दोस्तों, कट जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, 5 निकलेगा। इतना समझा दोस्तों, तो यहाँ से x का मान कितना निकला, 5। जब x का मान निकल गया तो y का भी मान निकाल लीजिए। क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है 3x, यानी 3 × x का मान 5 निकला है, तो 5 हो जाएगा, -3 और बराबर में क्या हो जाएगा, -y और बराबर में कितना दोस्तों, 3। तो यहाँ बराबर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 पचे कितना हो जाएगा, 15, 15 उस तरफ जाएगा, तो -y बराबर
तीन ऐसे रहेगा, 15 इधर माइनस क्या हो जाएगा 15, घटाएंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों माइनस वाई बराबर 15 में से 3 घटाएंगे कितना चाहिए माइनस 12, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा इधर कट जाएगा, इधर भी माइनस है ये माइनस कट गया, ये माइनस ये भी माइनस कट गया, तो वाई बराबर आपका क्या निकल गया दोस्तों 12। यहाँ से एक्स और वाई आपका दोनों निकल गया। जब एक्स और वाई निकल गया तो हमें क्या प्राप्त निकालना था दोस्तों, भिन्न निकालना था। तो भिन्न क्या प्राप्त होगा लिख दीजिए यहाँ पे, भिन्न हमें प्राप्त होगा दोस्तों एक्स बटे वाई। एक्स का मान कितना निकला 5 और वाई का मान कितना निकला दोस्तों 12, तो यही 5/12 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 कितना है 2 है। ठीक है दोस्तों, पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो 5:1 कितना है 2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं मान लेते हैं, तो वर्तमान आय पूछा है तो लिखिए, यहां लिखिए दोस्तों हल, हल लिखने के बाद क्या करिए मान लीजिए, तो माना वर्तमान आय निकालने के लिए क्या करेंगे पहले हम उनको मान लेंगे। तो लिखिए दोस्तों माना क्या, पिता की वर्तमान आयु पता नहीं है तो क्या मान लेते हैं एक्स, तो लिखिए पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या एक्स वर्ष। ठीक है दोस्तों एक्स वर्ष पता नहीं है तो इसको क्या मान लीजिए एक्स वर्ष मान लीजिए, और पुत्र की वर्तमान आय निकाल लीजिए दोस्तों, तो पुत्र की भी नहीं पता है तो यहां लिख दीजिए पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र का क्या निकल जाएगा दोस्तों वाई वर्ष, इसका क्या मान लेंगे हम वाई वर्ष। समझ आया दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु जो निकलेगा वाई वर्ष। अब ध्यान दीजिए दोस्तों आगे जो बोला है इनका जो अनुपात है 5:1 कितना है 2, यानी हम एक्स बटे वाई है ये किधर है पिता है, एक्स का क्या है पिता का वर्तमान है आयु है, और ये वाई जो है पुत्र की, लेकिन इनका जो अनुपात है कितना है 5:2 है। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया गया दोस्तों क्या दिया गया है 5:2 दिया गया है। अब आपसे बोला है कि इनकी जो वर्तमान आयु है उनका 5:2 है, तो 5:2 को हम क्या कर देंगे यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो x का निकाल लेते हैं या तो y का निकाल लेते हैं। तो चलिए हम दोस्तों क्या करते हैं x का ही मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 2 का गुणा किसमें कर देंगे x का या तो y का गुणा यहाँ कर दीजिए, x बराबर निकल जाएगा, x बराबर निकालेंगे y का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 5/2 ऐसे रहेगा बगल में क्या हो जाएगा वाई, वाई गुणा यहाँ क्रॉस होगा तो वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स बराबर 5/2 वाई, ये समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहां से निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद, बाद जब बोल दे वर्ष में दोस्तों तो आपको क्या करना है 10 उसमें जोड़ देना है, जब भी बाद की बात करेगा तो आपको 10 क्या करना है जोड़ देना है, तो यहां लिखिए 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाता दोस्तों, तो यहां क्या हो जाए एक्स में कितना जुड़ जाएगा 10, तो एक्स प्लस क्या कर देंगे 10, y प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 10, दोनों में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे और इनका अनुपात हो जाता है 2:1 यानी 2/1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटे। अब इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए, एक का x में करेंगे तो x ही आएगा, एक का 10 में करेंगे तो प्लस 10 ही रहेगा बराबर, 2 का y में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y, और 2 का 10 में करेंगे 2 × 10 = 20, यहां से निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे समीकरण यहां से भी निकाल लेते हैं, तो 2y को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा x, 2 इधर आएगा तो -2y हो जाएगा बराबर में 20 है, 20 ऐसे रहने दीजिए, 10 को इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए दोस्तों इसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2y, 20 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 10, ये आपका नया समीकरण प्राप्त हुआ क्या सेकेंड समीकरण सेकेंड। अब आपका समीकरण फर्स्ट और यहां से सेकेंड निकल चुका है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हम लेकर क्या करेंगे अब हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे,
तो चलिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा काम करिए, यहाँ जो x है x का मान इसमें रख दीजिए, अर्थात लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी जो समीकरण फर्स्ट में x का मान है उसको समीकरण सेकंड में हम रख देंगे। तो x के जगह कितना रखेंगे, 5/2 y, तो यहाँ रख दीजिए 5y/2 क्या हो जाएगा, 2, 5 का y में गुणा करेंगे 5y हो जाएगा, और माइनस कितना है दोस्तों 2y, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 10, तो बराबर में 10 है 10 लिख लीजिए। अब क्या करें, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 5y ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4y, और बटे में कितना है दोस्तों 2, और बराबर कितना 10, 2 का गुणा 10 में करेंगे। अब यहाँ देखिए 5y में से 4y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5y में से 4y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा सिर्फ y, और इधर नीचे 2 का गुणा 10 में करेंगे 10 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 20। यहाँ से y का भी मान निकल गया, क्या निकला 20। समझा दोस्तों, देखिए यहाँ 5y में से 4y घटाए हैं तो सिर्फ 1y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, बचे में 2 है, 2 का हम क्रॉस गुणा करेंगे 10 में, 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। यहाँ y का मान निकल गया, जब y का मान निकल गया तो x का मान निकाल लीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, x बराबर 5/2, y का मान कितना निकला दोस्तों 20, यहाँ देखिए y है, y की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों 20, तो यहाँ रख दीजिए आप 20, 20 से कट जाएगा, 2 × 20 10 आएगा, अब 10 गुणा हम 5 में करेंगे तो 10/25 कितना हो जाएगा दोस्तों 10/50, यानी x का मान क्या निकल गया दोस्तों 50, यानी जो पिता की आयु निकलेगी वो निकलेगी क्या 50, और जो पुत्र की आयु निकली है वो निकली है दोस्तों 20 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं। तो क्या लिख देते हैं दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना निकली दोस्तों 50 वर्ष, यहाँ लिख दीजिए 50 वर्ष। ठीक है, ये पिता की हो गई, अब लिख लीजिए पुत्र, तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, पुत्र कितना निकला है 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 वर्ष। समझा दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष निकल गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो इनका क्या करिए आप, वर्तमान आयु निकाल लीजिए। मान लीजिए, माना जैकब की आयु और पुत्र की आयु दोनों का हम क्या वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो यहाँ आप लिखिए सबसे पहले हल, हल लिखने के बाद क्या करिए माना। ठीक है, तो माना क्या दोस्तों, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो माना जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या निकलेगी दोस्तों 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, और पुत्र की आयु यहां लिख लीजिए, पुत्र की आयु, और पुत्र की आयु हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, यहां पे देखिए जैकब की आयु माने 100 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए पुत्र, पुत्र की आयु निकल जाएगा आपका क्या 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहां से जैकब की आयु निकला 100 वर्ष और पुत्र की आयु निकल गया 20 वर्ष। अब आपसे इसने बोला है कि ये वर्तमान हो गया, ठीक है दोस्तों हम मान लिए हैं, लेकिन इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व, और एक बार बोला है 5 वर्ष, यहां देखिए 5 वर्ष बाद बोला है शुरू में, एक बार बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो हम सबसे पहले 5 वर्ष बाद को लेकर चलते हैं। तो यहां लिखिए 5 वर्ष बाद, चलिए देखो देखो दोस्तों 5 वर्ष बाद बोला है, तो बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इनकी उम्र जो हो जाएगी इनमें 5-5 जुड़ जाएगा, तो जैकब की आयु निकालिए फिर से, जैकब
की आयु। तो जैकब क्या निकालेंगे दोस्तों, इसमें क्या जुड़ जाएगा, पाँच। जैकब क्या है, एक्स, तो एक्स में क्या जुड़ जाएगा, पाँच, यानी एक्स प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, पाँच वर्ष, ठीक है। और फिर पुत्र की, पुत्र की भी आयु निकाल लीजिए, लिखिए पुत्र की आयु बराबर क्या हो, आयु क्या होता है दोस्तों, पाँच। बाद बोलता है दोस्तों उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है, और पहले बोलता है तो क्या होता है, घर जाता है। तो यानी यहाँ से वाई प्लस क्या निकलेगा, पाँच वर्ष, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या बोला है, देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार, या इसमें दो शर्त बोला है, उन दोनों शर्त के साथ लिख लीजिए। लिखिए यहाँ पे प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त में क्या बोला है दोस्तों, प्रथम शर्त में बोला है कि जो ये, इसमें बोला है कि पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी, पाँच वर्ष बाद जैकब की जो आयु है, पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, तीन गुनी। तो जैकब की आयु क्या है, एक्स प्लस पाँच है, लेकिन जो पुत्र की आयु है क्या, वाई प्लस पाँच है, तो कितनी गुनी हो जाएगी, तीन गुनी। तो तीन गुनी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो हम तीन से जब इसमें गुणा कर देंगे पुत्र में, तो पिता पुत्र आपस में इसमें क्या हो जाएंगे, वर्ष में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम समीकरण हमेशा जब बनाते हैं तो दोनों को आपस में क्या करके बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्स प्लस पाँच को ऐसे रहने दीजिए, तीन का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन वाई, और तीन पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, पंद्रह। तीन वाई को इस तरह पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, तीन वाई, और पंद्रह पाँच इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पाँच। तो एक्स माइनस तीन वाई को ऐसे लिख लीजिए, पंद्रह में से पाँच घट जाएगा तो आ जाएगा दस। ये आपका समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समीकरण जब फर्स्ट निकल जाएगा तो आप समीकरण सेकंड निकाल लीजिए। समीकरण सेकंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब फिर बाद में बोला है पाँच वर्ष पूर्व, तो यहाँ बाद निकाले थे तो यहाँ लिख दीजिए अब दोस्तों पाँच वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पूर्व में क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं, यानी जैकब की आयु फिर से निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखिए जैकब की आयु। तो जैकब की आयु क्या निकलेगी दोस्तों, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी एक्स माइनस क्या निकल जाएगा, पाँच वर्ष, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब पुत्र की भी यहाँ से आयु निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या निकलेगी, वाई, पुत्र है वाई, वाई माइनस कितना हो जाएगा, पाँच, क्योंकि पाँच वर्ष पूर्व बोला है, तो यहाँ से क्या निकल गया, वर्ष। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए इतना हो करने के बाद बोला उसके पुत्र, पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी थी, कितनी गुनी थी दोस्तों, सात गुनी, यानी जैकब की आयु जो थी कितना, एक्स माइनस पाँच है, लेकिन जो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, सात। तो पुत्र कितना, वाई माइनस पाँच, इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, सात से, पुत्र में सात से गुणा करेंगे तो पिता पुत्र की जो उम्र होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो चलिए x माइनस पाँच को ऐसे रहने दीजिए, सात का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सात वाई, और सात का पाँच में करेंगे तो सात पचे पैंतीस हो जाएगा। इतना समझ आया दोस्तों। अब आगे क्या करेंगे, y किस तरह पंचांतर कर लेंगे, तो x माइनस कितना निकलेगा, सात वाई, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और उधर क्या है, माइनस पैंतीस, ऐसे रहने दीजिए, पाँच इधर माइनस में, इधर आया किस में हो जाएगा, प्लस में, तो क्या निकलेगा, प्लस पाँच। अब x माइनस सात वाई को अभी ऐसे रहने दीजिए, पैंतीस में से पाँच घट जाए क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा क्या, माइनस तीस। ये समीकरण यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड, ठीक है दोस्तों। समीकरण सेकेंड यहाँ से निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को लेकर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। तो चलिए लिखिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए x माइनस तीन वाई बराबर में दस, और समीकरण सेकंड दिया दोस्तों x माइनस सात वाई बराबर माइनस कितना, तीस। अब इसी को हम क्या करेंगे, घटा के हम हल कर लेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। सब का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब चिन्ह बदल जाएगा तो ये देखिए ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में, तो कट जाएगा एक्स से एक्स, ठीक है। अब देखिए प्लस सात वाई में से तीन वाई घटेगा तो कितना बचेगा, चार वाई निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये बचेगा चार वाई, और यहाँ पर तीस में से दस, यहाँ तीस और दस जुड़ जाएगा,
ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लस में यही प्लस में, 30 10 कितना हो जाएगा 40। अब क्या करेंगे, y बराबर निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए दोस्तों y बराबर निकालेंगे तो ये 4 जो है कहाँ जाएगा, बटे में, तो 40 बटा कितना आएगा 4, तो 4 दहम में 40, y बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा 10। यहाँ y का मान कितना निकल गया दोस्तों, 10 वर्ष, यानी जो ये पुत्र की आय निकली कितना निकली दोस्तों, 10 वर्ष। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पुत्र की आय तो निकल गई, अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में इसका y का मान हम रख देते हैं। तो लिखिए दोस्तों समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे दोस्तों, तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, x, x को ऐसे रहने दीजिए -3 और y, y का मान कितना रखेंगे 10, यानी 3 गुणते 10 बराबर में कितना है 10। अब 3 दहा में 30, 30 उस तरफ जाएगा, तो x बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये माइनस में इधर है, इधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर निकालेंगे तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, यानी यहाँ से देखिए दोस्तों x का मान कितना निकल गया 40, x और y का अलग अलग मान निकला, यानी जो x का मान है उसके जैकब की आयु है और y का जो मान है उसके पुत्र की आयु है। तो इसी को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, आंसर कर दीजिए, लिख दीजिए जैकब की आयु या वर्तमान आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या निकला दोस्तों 40 वर्ष, ये x जो था ये जैकब था, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखिए पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु निकालेंगे दोस्तों, तो पुत्र क्या है y, y क्या निकला दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी पिता और पुत्र के इसमें क्या ज्ञात करनी है, आयु ज्ञात करनी है। तो पिता और पुत्र की हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसमें आयु को हम मान लेते हैं, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे माना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माना में लिख दीजिए आप कि पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखिए दोस्तों पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की जो वर्तमान आयु निकलेगी दोस्तों वो क्या निकलेगी, x वर्ष। ठीक है, पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वो क्या हो जाएगा, x वर्ष, और पुत्र की निकालनी है तो यहां लिखे दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की क्या मान लेंगे दोस्तों, y वर्ष मान लेते हैं, तो यहां लिखे y वर्ष। ठीक है दोस्तों, पिता की जो है वो वर्तमान आयु x वर्ष हो जाएगी और जो पुत्र की वर्तमान आयु होगी दोस्तों वो y वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, पूर्व जब बोले दोस्तों तो हम वहां से क्या करते हैं, उसकी वर्तमान आयु में से उतना हम घटा देते हैं, तो लिखिए यहां पे 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व बोला तो इसमें से घटा दीजिए, तो पिता की वर्तमान आयु फिर निकालिए दोस्तों, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु निकालिए, लिखिए पिता की आयु, तो 10 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस क्या हो जाएगा 10, इसमें से क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से पुत्र की निकाल लीजिए, तो पुत्र क्या क्या होगा दोस्तों, पुत्र की आयु, तो पुत्र की क्या हो जाएगी दोस्तों, y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। अब आगे क्या बोला उसको देख लीजिए, अब प्रश्नानुसार जो बोला है उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हल कर लेंगे। तो इसमें देखिए दो शर्त बोले गए हैं दोस्तों, तो हम प्रथम शर्त को लेकर इसमें क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम
शर्त। प्रथम शर्त बोला है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो इसकी आय तो पूर्व निकाल ली है, लेकिन बोला है कि आय पूर्व पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो यानी ये पिता की आयु क्या है? एक्स माइनस 10 और पुत्र क्या है? वाई माइनस 10। लेकिन 4 गुना कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 4 से गुणा इसमें नहीं करेंगे, जो गुना होगा उसमें हम गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो वो और गुना हो जाएगा। इसलिए हम 4 गुना किसमें करेंगे? इसमें करेंगे, पुत्र वाले में, ताकि इसकी उम्र जो हो उससे बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? एक्स माइनस 10 बराबर 4 के अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 4y और 4 दहा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। समझ आया? यहाँ से हम कोष्ठक को तोड़ेंगे और यहाँ से हमको एक समीकरण प्राप्त करना है। तो समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? एक्स 4y इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 4y, ठीक है, और बराबर क्या है? माइनस 40। 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 40 और 10 इधर आएगा तो क्या हो गया दोस्तों? प्लस 10। तो एक्स माइनस 4y बराबर माइनस 40 में से 10 घटेगा तो बचेगा माइनस 30। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों? फर्स्ट मान लेंगे। समझा दोस्तों? यहां से हमें समीकरण क्या प्राप्त हो गया? समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया। जब समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया तब इसी से हम समीकरण क्या निकाल लेंगे? सेकंड निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकंड निकालने के लिए हमें द्वितीय शर्त क्या बोला है उस पर ध्यान देना है। द्वितीय शर्त में बोला है कि 10 वर्ष पहले पूर्व बोला था, अब बोला है 10 वर्ष बाद। तो यहां लिखिए दोस्तों 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या निकालिए? पिता की आयु निकालिए। तो फिर लिखिए यहां पे पिता की आयु। तो पिता की आयु निकालेंगे दोस्तों, बाद बोलता है तो उसकी वर्तमान आयु में क्या होना? जुड़ जाता है। तो वर्तमान आयु क्या माने? एक्स, और 10 उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस क्या निकलेगा दोस्तों? 10 वर्ष। और पुत्र की निकाल लीजिए इसी से, पुत्र की आयु। तो पुत्र की निकालें क्या हो जाएगा? वाई प्लस 10। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष। ठीक है दोस्तों, बाद बोलेगा दोनों हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे, जितना वर्ष बाद बोलेगा। अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्त के अनुसार इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो यहां पे लिखिए दोस्तों द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में बोला है कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? 2 गुनी रह जाएगी। कितनी गुनी रह जाएगी? 2 गुनी। तो यानी जो पिता की आयु है क्या है? एक्स प्लस 10 है, और पुत्र की आयु जो है उसको हम क्या कर देंगे? 2 गुनी। यहाँ 2 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में, तो y प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। क्योंकि जो पुत्र की आयु है उसकी आयु से पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो पिता की आयु 2 गुनी होगी, इसलिए हम पिता वाले में 2 से गुणा ना करके हम किसमें गुणा करेंगे दोस्तों? पुत्र में। पुत्र में गुणा इसलिए करेंगे ताकि यह समीकरण आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से हम समीकरण सेकंड प्राप्त करेंगे। तो समीकरण सेकंड कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2y, और 2 का 10 में करेंगे 2 दहा में कितना निकलेगा दोस्तों? 20। वाई को इस तरह पंचांतर करेंगे तो एक्स 2y इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 2y, और बराबर में क्या है दोस्तों? 20। ये 10 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। समझा दोस्तों? तो यहाँ निकलेगा एक्स माइनस 2y बराबर 20 में से 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 20 में से 10 घटे कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड प्राप्त हो जाए तो इसी समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाकर हम क्या करेंगे? एक मान निकाल लेंगे, या तो वाई का या तो एक्स का। ठीक है, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों? एक्स माइनस 4y बराबर माइनस 30, और सेकेंड क्या है दोस्तों? सेकेंड समीकरण है एक्स माइनस 2y बराबर कितना? 10। अब क्या करेंगे? इसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहां लिखिए घटाने पर। तो घटाने पर क्या हो जाएगा यहां पे दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। और ये यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो होगा ये प्लस माइनस में एक्स से एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये देखिए प्लस 2y है और यहाँ पे माइनस 4y, तो यहाँ पे घट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों? 4 में से 2 घटे कितना बचेगा? माइनस 2y, और बराबर माइनस 30 है और माइनस कितना है? 10। तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा। समझा दोस्तों?
अब यहाँ देखिए वाई का मान निकालना है, y का मान निकालेंगे तो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो माइनस 40 बटे कितना हो जाएगा माइनस 2। अब देखिए हम माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा 20, तो 2 से काटेंगे 20 दूना 40, यानी वाई का मान कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 20। जो ये वाई आया है ये पुत्र की आयु है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख कर पिता की भी आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या दोस्तों, x माइनस 4y, तो x माइनस 4y का मान कितना दिया दोस्तों 20, और बराबर में कितना माइनस 30, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो x का मान कैसे निकलेगा इसका हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा, और बराबर में कितना माइनस 30। 80 को उस तरह पंचांतर कर दीजिए तो माइनस 30 80 इधर आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 80। तो x बराबर घटाएंगे 80 में से 30 घटे कितना चाहिए दोस्तों 50, यहाँ x का मान कितना निकल जाएगा 50, यानी जो पिता की आय थी 50 निकला, और पुत्र की आय जो निकली कितना निकली दोस्तों 20। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होगा, इसको लिख देना होगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की जो वर्तमान आयु निकलेगी वो कितनी निकलेगी दोस्तों 50 वर्ष, ठीक है। कितना निकला दोस्तों 50 वर्ष। अब पुत्र की भी निकाल लीजिए, पुत्र की कितना निकला यहाँ लिख दीजिए पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की कितना निकलेगी दोस्तों 20 वर्ष। पिता और पुत्र की निकल गई, तो जब पिता और पुत्र निकल गई तो जब पिता की आयु कितनी हो जाए, फिर अंत में बोला है कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, कितना होने के समय दोस्तों 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन अनुपात किस समय ज्ञात करनी है, जब इनका क्या हो जाए आयु 80 वर्ष, ठीक है 80 वर्ष होने के समय। तो लिखिए जब पिता की आयु क्या हो 80 वर्ष हो, लिखिए यहाँ पे जब पिता की आयु बराबर क्या हो 80 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख दीजिए 80 वर्ष, जब पिता की आयु क्या हो जाएगी 80 वर्ष हो जाएगी, तो पुत्र की आयु क्या होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए पुत्र की आयु, अब ध्यान दीजिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए वो कैसे, जब ये 80 वर्ष हो जाएगा तो पिता जो पुत्र कितना निकला है 20 निकला है, कितना निकला है दोस्तों 20 निकला है, तो इसमें क्या हो जाएगा 30 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 20 निकलेगा 10 वर्ष बाद करेंगे, तो 20 से 10 कितना हो जाएगा 20 तो निकला ही है, लेकिन जब फिर इसमें 10 वर्ष बाद एक बार 80 वर्ष हो गए, देखिए यहाँ जब ये 50 वर्ष निकला वर्तमान आयु, जब वो 80 वर्ष के हो गए थे तो इससे 30 साल से छोटा है, तो 30 इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए पिता की आयु कितना निकला है 50 वर्तमान, तो पुत्र की कितना निकला 20, यानी 30 साल उससे क्या है पीछे, जब उसका पिता की आयु कितना हो गया 80 हो गया, तो 30 साल ना पीछे होगा, तो 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों पुत्र की आयु, तो 30 20 50, यानी 50 हो जाएगा। जब पिता 80 का होगा तो पुत्र कितने का होगा 50, जब पिता 50 का था तो पुत्र 20 का था, पिता 80 का हो गया तो पुत्र कितने का हो गया 50 वर्ष का, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है अनुपात, 80 और 50 का क्या ज्ञात करेंगे अनुपात, तो लिख लीजिए दोस्तों बोला है कि आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखिए पिता पुत्र की आयु का अनुपात, पिता पुत्र की आयु का अनुपात, तो पिता पुत्र की आयु का अनुपात निकालेंगे, तो पिता का क्या हो जाएगा दोस्तों 80 और पुत्र की कितना है 50, तो इसमें देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा बच्चे कितना 8:5, तो 8:5 यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो 5 वर्ष यानी पहले जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, यही हमको क्या करनी है दोस्तों, बतानी है। तो नूरी तथा सोनू दोनों की आयु पूछा है, तो हम दोनों की आयु को हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों माना, ठीक है, हल लिख दीजिएगा। हल लिखने के बाद लिखिएगा क्या, माना। तो लिखिए माना नूरी की आयु, पहले हम क्या मानेंगे दोस्तों, नूरी की आयु। तो लिखिए यहाँ पे नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या निकलेगी दोस्तों, नूरी की आयु निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु निकलेगा एक्स 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 वर्ष। अब सोनू की भाई आयु मान लीजिए, तो लिखिए यहां पे सोनू, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या निकलेगी दोस्तों, वाई वर्ष। यहां पे लिखिए क्या, वाई वर्ष। अब आपसे बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी इसमें से हम क्या करेंगे, 5 5 घटा देंगे। तो यहां पे लिखिए दोस्तों 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों के आयु में से 5 हम घटा देंगे। तो नूरी की आयु बोला है, तो फिर से लिखिए नूरी की, नूरी की आयु। तो यहां से नूरी की आयु निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, एक्स है, एक्स में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब पूर्व बोलता है दोस्तों तो उसकी वर्तमान आयु में से उतना हम घटा देते हैं जितने वर्ष पूर्व बोलता है, लेकिन बाद बोलता है तो उसकी वर्तमान आयु में उतना हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, जितना वर्ष वो बोला रहता है। तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व बोला है, पूर्व हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से 5 हम घटा देंगे। तो नूरी की आयु निकल जाएगी एक्स माइनस 5 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सोनू की भी आयु निकाल लीजिए 5 वर्ष पहले की, तो सोनू की आयु, तो सोनू की आयु निकालेंगे यहां से, तो सोनू की क्या है, वाई है, वाई लिख दीजिए, माइनस 5 क्या हो जाएगा इसमें से, घट जाएगा क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोला है। तो y माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष। अब इसमें कुछ शर्तें दबली रहती हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहले शर्त पे ध्यान देते हैं। तो यहां लिखिए प्रथम, प्रथम शर्त, ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। जो नूरी है वो सोनू से कितनी गुनी थी आयु में, उम्र में, 3 गुनी। तो 3 गुनी हम, 3 में नूरी तो 3 गुनी पहले से है, इसलिए नूरी में ना गुणा करके हम किस में गुणा करेंगे, सोनू में। तो सोनू में हम 3 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, y माइनस 5 हो जाएगा। अब ये समीकरण आप नूरी और सोनू आपस में क्या हो जाएंगे, उम्र में बराबर हो जाएंगे जब हम 3 में से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 3 का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 5 ऐसे ही रहेगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3y, और 3 का 5 में करेंगे, 3 5 कितना निकलेगा, 15 निकलेगा, ठीक है। अब क्या करें, 3 को इस तरह पंचांतर करें तो एक्स 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर उधर क्या है, माइनस 15 है, माइनस 15 लिखिए, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या निकलेगा दोस्तों, प्लस 5 हो जाएगा। इतना समझ आया दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होगा कि आपको इसमें से घटा दीजिए, तो एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस 10। जब माइनस 10 प्राप्त होगा इसी को हम समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों, फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण हमें यहां से क्या प्राप्त हो गया, फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब समीकरण सेकेंड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देखिए आगे क्या बोला है। तो देखिए दोस्तों आगे बोला है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तब यहां लिखिए दोस्तों 10 वर्ष पश्चात बोला है, तो 10 वर्ष हम पश्चात, पश्चात मतलब होता है दोस्तों बाद, बाद जब बोलता है तो उम्र में उतना क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसकी वर्तमान आयु में। तो 10 वर्ष बाद हम नूरी की आयु निकालेंगे, तो यहां लिखिए दोस्तों 10 वर्ष बाद नूरी की, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु जब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या निकलेगा दोस्तों, प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस कितना निकलेगा, 10 वर्ष। और सोनू की आयु निकाल लीजिए, तो यहां लिखिए सोनू की आयु, तो सोनू कितना है दोस्तों, वाई है, वाई लिख दीजिए, यहां देखिए सोनू कितना है, वाई। अब इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 10, तो वाई प्लस कितना निकल जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु निकला एक्स प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु निकल गया वाई प्लस 10 वर्ष।
अब आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? दो गुनी। तो चलिए हम द्वितीय शर्त में इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में बोला है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी हो जा रही है दोस्तों, दो गुनी हो जा रही है। तो नूरी कितनी है, एक्स प्लस दस है, लेकिन सोनू है वाई प्लस दस है। ठीक है, इससे में हम क्या करेंगे, सोनू वाले में दो से हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब दो ये दो गुनी है, नूरी दो गुनी है दस वर्ष बाद, तो नूरी में ना गुणा करके हम किस में गुणा कर देंगे, सोनू में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकलेगा, एक्स प्लस दस बराबर दो का अंदर गुणा करेंगे क्या निकलेगा, दो वाई, और दो दहा में कितना हो जाएगा, बीस। इतना समझा। अब दो वाई को इधर पंचांतर कर लेंगे, तो एक्स दो इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस दो वाई, और उधर कितना दोस्तों, बीस। दस इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस दस। अब क्या करेंगे, x माइनस दो वाई को ऐसे रहने देंगे, 20 में से 10 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, 10। तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपका क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड। अब यहां से हमें समीकरण फर्स्ट व समीकरण क्या हो गया, सेकेंड प्राप्त हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को लेकर हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को लेकर हम क्या करते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को लेकर हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस तीन वाई बराबर माइनस दस, और समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों, x माइनस दो वाई और बराबर में कितना, दस। अब इसको क्या करिए आप, समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ x दोनों प्लस प्लस में, जब तक एक माइनस में नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस में नहीं होगा, तब तक ये कटेगा नहीं। तो यहाँ लिखिए दोस्तों घटाने पर, जब यहाँ पे लिखेंगे आप घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। इतना समझा, इतना करने का देखा जाए तो यहाँ एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है। अब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तीन वाई और यहाँ पे क्या है, दो वाई, तीन वाई में से दो वाई घटेगा तो बचेगा सिर्फ माइनस वाई, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, बड़ा वाला माइनस में। अब ये देखिए माइनस माइनस जोड़ के माइनस कितना हो जाएगा, माइनस दस, माइनस दस कितना हो जाएगा, माइनस बीस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष में क्या है, माइनस ही माइनस है। तो वाई बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, बीस निकल जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान यहाँ से कितना निकला दोस्तों, बीस निकल गया। अब y का मान निकल गया है, तो आप x का भी मान निकाल लीजिए। तो इसी y का मान आप क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान हम जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, देखिए समीकरण फर्स्ट है x माइनस तीन वाई, तो एक्स ऐसे रहेगा माइनस तीन, वाई का मान कितना निकला है, 20, तो 20 हो जाएगा बराबर में कितना दोस्तों, यहाँ पे माइनस दस, तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस दस। अब यहाँ x ऐसे रहने दीजिए, तीन दूनी छः यानी माइनस साठ हो जाएगा, बराबर में क्या है, माइनस दस, साठ उस तरफ जाएगा, तो x बराबर इधर माइनस दस ऐसे रहने दीजिए, साठ इधर माइनस में है तो इधर आए किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी प्लस कितना निकलेगा, साठ। तो x बराबर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 60 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 50। ठीक है, तो x का मान कितना निकला दोस्तों, 50, यानी जो इसकी उम्र निकली, नूरी की आयु जो है वो 50 वर्ष निकली है, और सोनू की आयु जो निकली वो कितना निकली दोस्तों, 20 वर्ष। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, लिख देते हैं नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु बराबर क्या निकला दोस्तों, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो नूरी की आयु निकला 50 वर्ष और सोनू की आयु निकली कितनी दोस्तों, 20 वर्ष। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों आंसर हो जाएगा। समझा दोस्तों। तो हाय फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट बचे हुए सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, पार्ट सेकेंड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।